हाय बच्चे, मेरा नाम है सानवी और मेरा लास्ट नेम किसी को नहीं पता, मेरा लास्ट नेम है सैनी। तो आज मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में और मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाने वाली हूँ। तो मेरा नाम है सानवी, मैं 7 इयर्स की हूँ लेकिन मैं 8 इयर्स की होने वाली हूँ। मेरा बर्थडे 14th November को आता है। 14 नवंबर को वैसे भी चिल्ड्रंस डे का दिन होता है, मेरा बर्थडे चिल्ड्रंस डे पे आता है, लेकिन इस बार मेरा बर्थडे दिवाली के दिन आएगा। वाओ, बहुत अच्छा होगा। और मेरा बर्थ ईयर है 2012। तो अभी मैं अपने 14 नवंबर को मैं होने वाली हूँ 8 इयर्स की, अब मैं हूँ टोटली 7 इयर्स की। तो फिर अब मैं आप थोड़ा सा अपने पेरेंट्स का नाम बताऊंगी। तो मेरे मम्मी का नाम है स्नेहा मांजरेकर सैनी और मेरे पापा का नाम है दिनेश सैनी। मेरी मम्मा तो अभी सो रही है, पता नहीं क्यों। तो पता है मुझे, बताओ कौन से चैनल्स देखना पसंद है? मुझे पसंद है कम प्ले विथ मी, ग्रेस वर्ल्ड, आई यू एंड पीहू शो एंड रुचि एंड पीयूष। और मेरा खुद का चैनल है आवर मैजिकल वर्ल्ड। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि ये आवर मैजिकल वर्ल्ड चैनल कैसे बना। तो एक दिन मेरी मम्मा की चैनल थी, उसका नाम था स्नेहा सैनी। मैं उसमें एक हफ्ते से 2019 से वीडियो बना रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं एक ऐसी चैनल बनाऊँ जो मेरी खुद की चैनल हो। तो फिर मैंने अपने मम्मा से पूछा कि मम्मा मैं कौन सा चैनल बनाऊँ, मैं अपने अपने चैनल का नाम क्या रखूँ। तो फिर मैंने मम्मा ने चैनल बनाया मेरा और उसका नाम रखा आवर मैजिकल वर्ल्ड। मेरा न्यू चैनल बन गया, उसमें मैंने वीडियोस डालना शुरू किया, वो भी मई वाले मंथ से। ऐसी बनी मेरी यूट्यूब चैनल और अब मेरे हो गए हैं बहुत सारे सब्सक्राइबर्स। आई होप आई कैन गेट 1 मिलियन सून। थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी एंड सब्सक्राइबिंग माय न्यू यूट्यूब चैनल आवर मैजिकल वर्ल्ड। तो आपको पता है मेरी सिस्टर ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं हमेशा एक वीडियो थर्सडे एंड संडे को अपलोड करूँ। तो मेरे 2 कजिन्स हैं, मेरे एक कज़िन का नाम है स्वरांजलि सैनी और दूसरे कज़िन का नाम है इशिका मांजरेकर। और मैंने ना कोई ऐसे ट्विन सिस्टर्स वगैरह वो नहीं है, मेरे कज़िन सिस्टर, कज़िन ब्रदर और मेरा छोटा ब्रदर भी है। मेरा छोटा ब्रदर है, उसका नाम है अर्जुन मांजरेकर, मैं उसके साथ बहुत बात करती हूँ। तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता देना कि कौन मुझे जानता है भाई, कौन मेरा वीडियोस देखते रहता है नॉन स्टॉप। टोटली आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। मेरे एक वीडियो था जिसमें मैंने गुड नाइट स्टोरीज फॉर रिबेल गर्ल्स का रिव्यू किया था, एक था मेरे बारबी डॉल का पजामा पार्टी करी थी, एक था एल्सन आना टॉडलर्स का और बाकी भी बहुत सारे थे। लेकिन अब फाइनली मेरे 40 वीडियोस बन गए, ताकि मैं कोशिश कर जा रही हूँ और मैंने वीडियोस अपलोड करे जा रही हूँ। और मैंने वो जो थी ना, वो वीडियो थी ना मेरी फैशन शो वाली, मेरे फैशन शो में तो 100 व्यूज हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दैट वीडियो। मुझे पता होगा कि आपको वो मेरा फैशन शो वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, मुझे पता है जरूर। तो बच्चे ये है मेरा पिल्लो, मैं एक होटल में गई थी, फिर होटल वालों ने मुझे अपने चैनल के लिए एक पिल्लो दे दिया जिस पर मेरा नाम लिखा हुआ है सानवी। और वैसे भी मेरा रेड फेवरेट कलर है, ताकि वो थोड़ा सा पिंकिश भी होता है, फ्लावर्स का कलर होता है इसीलिए। तो फिर मैं आपको अपने टैलेंट्स बताती हूँ और लोगों ने मेरे लिए मतलब क्या क्या अच्छा किया है, लोगों ने मेरे लिए क्या अच्छा किया है, ताकि ना लोगों ने मेरे लिए एक बुक बनाई मेरे बर्थडे के दिन जिसका नाम था बीइंग ब्रेव सुपर पावर्स 1। उसमें सारे मेरे रिलेटिव्स ने मेरे लिए स्टोरीज लिखी, मेरे चैनल को अप्रिशिएट किया और उन्होंने बोला डियर सानवी यू आर लॉट
यू आर वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी, यू कॉन्स्टेंटली लाइक प्ले विथ मी, ऐसे सारी चीज़ें लिखी मेरे बारे में. थैंक यू फ्रेंड्स. और पता है मेरी फेवरेट मूवी कौन है? एक मूवी है उसका नाम है स्काई इज पिंक, वो मेरी फेवरेट है. और एक और मूवी है रिम ऑफ द वर्ल्ड, वो भी मेरी फेवरेट है. और भी बहुत कुछ मूवीज है. आपको पता है मेरा फेवरेट नंबर क्या है? मेरा फेवरेट नंबर है नंबर 14, ताकि बिकॉज आई लाइक दैट नंबर. और 17 भी है, 14 and 17, अच्छा लगता है. आ जाओ फ्रेंड्स, मैं आपको अपनी लाइब्रेरी दिखाती हूँ. तो बच्चे ये है मेरी लाइब्रेरी, तीन 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 तीन. अब देख पा रहे हो यहाँ कितने सारे बुक्स रखे हैं? देखो मेरे पीछे कितने सारे बुक्स हैं. पता है ये लाइब्रेरी कैसे बनी? मेरी लाइब्रेरी इसलिए बनी ताकि मैं बहुत अच्छी गर्ल थी, इसलिए. थैंक यू माई पेरेंट्स, एवरी वन फॉर सपोर्टिंग मी एंड फॉर क्लिकिंग द बेल बटन एंड लाइकिंग. बताओ उसमें से मेरी फेवरेट बुक कौन सी है? मेरी फेवरेट बुक है ये वर्स्ट विच की बुक है. और भी बुक्स दिखाती हूँ मैं आपको अपने. एक बुक है जिसका नाम है मेकिंग फ्रेंड्स इज एन आर्ट, और मेरे वॉल पे इतने सारे स्टिकर्स भी लगे हुए हैं. बिकॉज जो मुझे पसंद है वो मैं अपने रूम के साथ कर सकती हूँ. देखो पिंक लाइट्स है, वो भी ये कलर चेंजिंग लाइट्स है. दीज आर कलर चेंजिंग लाइट्स. अब अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट कर देना और एक लाइक छोड़ लेना. मैं आपको थोड़ा सा और भी अपने बारे में बताती हूँ. मेरा फेवरेट कलर्स बताओ क्या है? एक है पिंक, एक है रेड. और पता है मैंने फ्लावर वाला हेयर बैंड पहना है, ये भी मेरा टोटली फेवरेट ही है. बिकॉज इट इज़ माई फेवरेट हेयर बैंड. पता है बच्चे ये क्या है? ये मेरा बेबी शॉवर वाला है, ये मैंने अभी भी संभाल के रखा है. आ जाओ हम थोड़ी थोड़ी वीडियो स्टार्स से मिलते हैं. देखो ये रही एल्सा. हेलो बच्चे, मेरा नाम है एल्सा. मैं बर्फ की रानी हूँ. और ये मेरे बेटे हैं एल्सियर आनिया. देखा कैसे एल्सा ने अपनी इंट्रोडक्शन करी, अच्छा लगा मुझे. बता मैं अपने बर्थडे पे ये वाली हैट पहनने वाली हूँ, ये मेरी फेवरेट है. एब्सोल्युटली. और मेरे कोई ना कोई टॉयज रखे है. पता है मेरे घर में ना टॉयज से ज़्यादा 1 million बुक्स है, टॉयज से भी ज़्यादा बुक्स. और ये मेरा बास्केट ऑफ टॉयज है. पता है मैंने अपना खुद का बास्केट ऑफ टॉयज भी बनाया है. अगर आपने अपना खुद का बास्केट ऑफ टॉयज बनाया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर. और बच्चे ये है अलेक्सा, जो अमेजोन कंपनी ने मुझे गिफ्ट किया है. थैंक यू अमेजोन. और पता है बच्चे ये है मेरा स्टडी टेबल, यहाँ पे मैं लैपटॉप पे स्टडी करती हूँ. और ये मेरे स्कूल के बुक्स है, इसमें स्कूल का काम करती हूँ मैं. और मैं कक्षा 2 में हूँ और मेरे सेक्शन का नाम है नीलगिरी. लेकिन अब मैं कक्षा 3 में जाने वाली हूँ और मैं इंडिया की रहने वाली हूँ. और मेरा बर्थ प्लेस है मुंबई. पता है बच्चे ये मेरी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है. मैं मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल में जाती हूँ नोएडा में. आप देख पा रहे हो इसमें लिखा है इंग्लिश रीडर्स. और ये है मेरा मैथ्स की टेक्स्ट बुक, इसमें लिखा है कंपोजिट मैथमेटिक्स. अगर आपको क्लियरली दिख रहा है इस तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर ये विजिबल हो तो मुझे बता देना. और बच्चे ये है मेरी हिंदी की टेक्स्ट बुक, इसमें लिखा है हिंदी पाठमाला. पता है मेरी हिंदी रीडिंग इम्प्रूव हो रही है थोड़ी सी. और ये है मेरी साइंस की बुक, इस पर लिखा है क्रेस्ट, टेक्स्ट बुक है. और मेरी ना साइंस की बुक ख़त्म होने वाली है, तो मेरी एक और साइंस की बुक है. मैं कक्षा 2 में हूँ तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है. और बच्चे ये एलेक्सा का पैकेट है, मैंने अभी भी संभाल के रखा हुआ है. हम देखा कि मेरे जो मैं वीडियोज़ करती हूँ ना एनेबल इजेबल के, वो वीडियोज़ भी थोड़े से इसी रूम में ही होते हैं, शूटिंग इस रूम में होती है. और ये है मेरी ट्री जो मैंने अपने स्कूल के प्रोजेक्ट में बनाई है. और पता है मेरे स्कूल की प्रेजेंटेशंस चल रहे हैं, इसलिए मैं
थोड़े से स्टडीज में बिजी हूँ ताकि मैं बड़े स्टैंडर्ड में गई हूँ, इसलिए मैं आपको बताऊँ कि मैं वीडियो कैसे अपलोड करती हूँ। पहले मैं अभी वीडियो बनाती हूँ, उसको ज्वाइन करती हूँ, एडिट करती हूँ कोई एप्लीकेशन ढूंढ के, फिर उसको मैं यूट्यूब पे सेंड करती हूँ, उसको ट्रांसफ़र करती हूँ, यूट्यूब पे डालती हूँ, फिर यूट्यूब पे डालती हूँ तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन टाइटल लिखती हूँ, फिर उसको यूट्यूब पे अपलोड कर देती हूँ। थोड़ा सा वीडियो अपलोड होने में टाइम लगता है, फिर वीडियो अपलोड होता है और फिर वो वीडियो आपके पास आ जाता है, फिर आप मेरी वीडियोज़ देखते हो। पता है मेरा फेवरेट सॉन्ग क्या है? मेरा फेवरेट सॉन्ग है लव यू जिंदगी, और मेरी फेवरेट प्लेलिस्ट यानी कि स्टेशन है बॉलीवुड पार्टी। पता है आपको मेरी फेवरेट बुक क्या है? एक तो वो थी मेकिंग फ्रेंड्स इन आर्ट, और मेरी फेवरेट बुक है ये वाली, इसको बोलते हैं माय लिटिल एपिफनीज, और ये है डिक्शनरी मेरी, जिसमें मैं वर्ड की मीनिंग्स ढूंढती हूँ और निकालती हूँ। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को थम्स अप कर देना, सब्सक्राइब करना और बेल बटन बजा देना तो रिसीव ऑल नोटिफिकेशंस, और याद रखना कि हमेशा आयुर्मेडिकल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करते जाना, और आई वुड लव टू गेट 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स सून। थैंक यू, बाय एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। टेल मी, अगर आपके पास कोई भी रिक्वेस्ट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट्स में लिख के ज़रूर बता सकते हो, बट यूट्यूब हैज़ डिजेबल्ड कमेंट्स, सो यू कैन आस्क इन द कम्युनिटी सेक्शन। आप जो कम्युनिटी सेक्शन है उसमें अपना डाउट्स पूछ सकते हो, रिक्वेस्ट पूछ सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो, मैं हमेशा आपके क्वेश्चंस आंसर करने के लिए रहूँगी। बाय बाय।